हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मोजीद अब्बास और ये समर भाई, और ये फिलहाल हम आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर आए हैं बताइए समर भाई? शेरकोट में आए हैं मछली पकड़ने के लिए, और आज हम कुछ नया इवेंट करने जा रहे हैं, नई चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए आज चलते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। शायद ये नवाजी भाई भी मछली पकड़ रहे हैं हमारे साथ, देख सकते हैं। कितनी मछलियाँ पकड़ ली अब तक? अभी जस्ट डाला है। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी खो है ये, अभी वेट कर रहे हैं मछली का कब आएगी। और इधर हसन साहब हैं, दरोगा साहब हैं, और उधर से आप सिंगाड़े भी ले सकते हैं। बहुत बड़ी खो है ये, खोई तो कहते हैं इसको, खो। अरे यहाँ देखा ये मछली छोटी छोटी कहाँ हैं? तो गाइस आप देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ। मैं हल्का सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको दिख जाए। बहुत छोटी छोटी हैं ये, देखिए उधर, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए, तो आज मछलियाँ पकड़ रहे हैं हम, और ये भाई साहब हमें सिखा रहे हैं मछलियाँ पकड़ना। ज़बरदस्त व्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुजीद भाई मछली पकड़ते हुए एंजॉय कर रहे हैं नेचर का, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तरीके से फिशिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से पानी काफ़ी गहरा है। दोबारा कोशिश करते हैं, काफ़ी अच्छा ट्राई है। ठीक शॉट लगा, बहुत बढ़िया शॉट लगा। तो गाइस वेट करते हैं, वेट करते हैं, चलिए। बहुत अच्छा रहा, मछली में थोड़ा टाइम लगता है, ये काम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होने चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आप व्यू देख सकते हैं बैकग्राउंड में, कितना अच्छा व्यू है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। पकड़ लिया 5-6 किलो मछली वहाँ पर, और भी लोग बैठे हैं। सबसे ज़्यादा तक नवाजी भाई ने पकड़ी है। नवाजी भाई भी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ सब बैठे हैं और मछली पकड़ रहे हैं। काफ़ी एक दिलचस्प नज़ारा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे देख सकते हैं काफ़ी खेत हैं, जंगल है, काफ़ी अच्छा है। तो हम पूछते हैं हसन से, कितनी मछलियाँ पकड़ी हसन? डाला है अभी डाला है नवाजिश भाई ने भी, अभी डाला है। कुछ नहीं आया। और गाइस ये देख सकते हैं गन्ने का खेत, यहाँ पे आप गन्ने भी खा सकते हैं। ये हम आए हुए हैं शेरकोट में, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, और मछली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब कांटे में फंस जाए और हम फुल आनंद लें। आज पका के वही खाने वाले हैं मछलियाँ। बाकी छोटी छोटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिख जाए, पानी धुंधला है शायद दिख नहीं पाएंगे। छोटी छोटी मछलियाँ तो यहीं घूम रही हैं, देखिए आप, खो पकड़ ली एक मछली। नवाजी भाई ने पकड़ी है मछली। और गाइस देख सकते हैं आप, अब हमने मछली पकड़ने के लिए मंगा लिया है जाल। ये देखिए मछली पकड़ने वाले ही बुला लिया आज हमने। देखिए लड़का कहाँ चला गया जाल लेकर, अब जाल से पकड़ी जाएगी। और कांटे से तो हमने काफ़ी पकड़ लिया मछलियाँ, 60-70, अब इससे पकड़े हैं करोड़ों। खोल तो ज़्यादा गहरा नहीं है, गहरा ही है, है जी वो है। अच्छा ये सारे आईडी होते हैं, ये वो तो बंदा पैंट में चला गया। अब होगा, अब देखो कितनी देर बाद निकाले जाल भैया। अच्छा बहुत लंबा जा रहा है, 70 मीटर लंबा। दोपहर तक हम तो देखने के लिए आए थे। और गाइस ये बहुत सारी मछली पकड़ने के बाद ये समर भाई 40-50 मछलियाँ कार में रखने गए हैं। ये अपनी कार खड़ी है, तो बाल्टी लाए थे हम, तो 50-60 मछलियाँ कार में रख दी हैं, और बाकी ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। बाकी अभी भी और पकड़ रहे हैं, देखिए हसन ने भी पकड़ी हैं 6-7 मछलियाँ, नवाजी भाई ने पकड़ लिए 17-18 मछलियाँ, और बाकी पकड़ ही रहे हम। तो गाइस काफ़ी मछली पकड़ने के बाद हम थक गए हैं,
और फिलहाल हमारी चलने की तैयारी है। अब इतनी मछलियाँ हो गई हैं, हम खा खा के थक जाएंगे। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।